हिंदी सिनेमा में एक जमाने की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख अपनी मेहनत के बलबूते पे ही हिंदी सिनेमा में अपनी खास जगह बना पाई। एक समय ऐसा भी था जब लोग उनके दीवाने हुआ करते। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि आशा भी किसी के प्यार में दीवानी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शादी नहीं की और वो ताउम्र कुंवारी रही। आखिर जीवन भर आशा ने क्यों नहीं की शादी? इस बड़े राज का खुलासा आशा ने अपने एक इंटरव्यू में किया है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड की 60 से 70 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही आशा पारेख अब भले ही उम्र दराज हो गई हो, लेकिन एक समय उनकी पॉपुलैरिटी का आलम कुछ ऐसा था कि वो इंडस्ट्री की सबसे महंगी यानी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। जब एक बार आशा से एक इंटरव्यू में उनकी शादी के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि शादी शायद कभी उनकी किस्मत में नहीं लिखी। अब ऐसा नहीं था कि एक्ट्रेस को कोई पसंद नहीं था। खबरों के अनुसार आशा पारेख को शादीशुदा फिल्ममेकर नासिर हुसैन से सच्चा प्यार था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नासिर साहब एक्टर आमिर खान के अंकल, मशहूर डायरेक्टर रहे मंसूर खान के पिता और एक्टर इमरान खान के दादाजी थे। अब सवाल ये उठता है कि आशा पारेख जब नासिर हुसैन से इतनी मोहब्बत करती थी तो फिर दोनों ने शादी क्यों नहीं की? तो इस बात का जवाब खुद आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी में दिया है। दरअसल अभिनेत्री आशा पारेख किसी गलत इरादे से नासिर हुसैन को नहीं चाहती थी, बल्कि उन्हें नासिर साहब के परिवार से भी बेहद प्यार था। वो नहीं चाहती थी कि दुनिया उन्हें होम ब्रेकर यानी घर तोड़ने वाली महिला के तौर पर जाने। इस वजह से उन्होंने हमेशा उनसे दूरी बनाए रखी। यही वजह रही कि ना नासिर साहब कभी आशा पारेख की लाइफ में आ सके और ना ही आशा पारेख किसी दूसरे को अपनी लाइफ पार्टनर बना सकी और ना ही आशा जी किसी दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बना सकी। आशा का ये मानना है कि वो सिंगल ही बहुत खुश हैं। आशा ने अपनी ऐसी छवि बना रखी थी कि कोई भी उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाता था। शायद इसीलिए आज तक किसी ने भी आशा से उनका हाथ मांगने की हिम्मत। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आशा पारेख ने लगभग 80 बॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है। आशा पारेख को उनकी फिल्में जैसे कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आन मिलो सजना, साजन और कारवां जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ऐसे ही अपने पसंदीदा स्टार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम आपको ये खबर लाकर देंगे ना। आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।